कोरोना संकट से उपजे हालात के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य के 3.25 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे का कहना है कि सरकार ने बिना कर्मचारियों से बातचीत किए एक तरफा फैसला किया है, जबकि सरकार अपने कई खर्चों में कटौती करके राजस्व को बढ़ा सकती है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि कर्मचारी पहले ही परेशान हैं, ऐसे में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज करना गलत है। बता दें कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्त का भुगतान न करने का फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। देखिए, राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों का डीए फ्रीज करने का जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं बिल्कुल अनुचित है। राज्य के कर्मचारी पहले ही प्रताड़ित है, राज्य के कर्मचारी पहले ही अपना एक दिन का अंशदान दे चुके हैं, अब उनका आप डीए अगर फ्रीज कर देंगे एक साल के लिए, तो मैं समझता हूं अनुचित है। केंद्र सरकार ने भी गलत किया है और राज्य की सरकार भी गलत कर रही है। राज्य की सरकार को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। हमने तय किया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुख्य सचिव से मिलकर के यह मांग करेंगे कि कम से कम हमारे समूह गौ और गौ श्रेणी के कार्मिकों को इस डीए के फ्रीज किए जाने से मुक्त किया जाए, एवं उन बकायेदारों से जिनके ऊपर तुम विभिन्न प्रकार के करों की और विद्युत की पानी की बहुत बड़ी रकम बकाया है और इसकी जानकारी हमें भी है, उनसे भी बकाया की वसूली की जाए। इस तरह से सरकार हमारे साथ बैठे, हमसे बात करें, हम तमाम सारी बातें सरकार को बताएंगे कि कहां कहां से किस तरह से व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कि हमें आगे आने वाले समय में अपने हम राजस्व बढ़ा सकेंगे। हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से अवश्य ही ये चाहेंगे कि वो इस पर पुनर्विचार करें और निर्णय पे अपने राज्य कर्मचारियों को इसके अपने साथ लेकर के चलें, जिससे कि हम हर एक कदम पर राज्य सरकार का खुशी मन से साथ दे सकें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।